हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम पुष्पन धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेज्म रिप्रोड्यूस। जी हाँ, ये 10th क्लास का बहुत IMP टॉपिक है और CBSE के हिसाब से भी, MP बोर्ड के हिसाब से भी, किसी भी जहाँ पर भी जितने भी बोर्ड्स में ये टॉपिक है, बहुत IMP टॉपिक है। ये 8th क्लास में भी है, 10th में भी है, तो बहुत सारी क्लासेज में, तो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि वॉट इज़ रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन द रिप्रोडक्शन। मीन्स ये है कि अगर आपकी जो प्रोडक्शन हो रहा है कोई नए ऑर्गेनिज्म का, जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? तो उसका ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर हमें आगे तक हमारे जो अर्थ पे, अगर हमारे जो स्पीसीज को सर्वाइव करना है, तो उसको आगे अपनी जनरेशन को क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक टाइम बाद तो इंसान की डेथ हो जाती, तो उसके बाद उसके जो बेटे हैं, फिर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर ऐसे करके धीरे धीरे चलता है। तो इसलिए चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे आपके एनिमल्स हों, सभी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके साथ रिप्रोडक्शन आपका होता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि यहाँ पे पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स ही रहते हैं, मतलब यहाँ पे दो लोगों की जरूरत नहीं होती, एक ही जो होता है उसी के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है। तो हम सीधा कह सकते हैं इसका मतलब ये है कि इसमें सेक्स सेल जो होती है, इसको हम जेमेट्स कहते हैं, उसका यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, इन सब में आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हम पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय 6 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज फिजन, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर इज रीजेनरेशन, फिफ्थ इज फ्रेगमेंटेशन, सिक्स इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आपके टोटल 6 तरीका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आइए हम सबको बारी बारी से सभी 6 को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना, कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में क्या होना, ब्रेक होना, टूटना। तो मैनी जो सिंगल सेल्ड और जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, इस तरह के जितने भी आपके जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, वो उसमें सब में फिजन प्रोसेस होती है। फिजन आप, देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन। आपके दो तरीके से फिजन होता है, दो मेथड होती हैं, एक बाइनरी फिजन होता है और एक मल्टीपल फिजन होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। बाइनरी का मतलब होता है दो। तो ऑब्वियसली बात है, बाइनरी फिजन मतलब यहाँ पे जो आपकी पेरेंट सेल जो रहेगी, वो क्या रहेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि इन बाइनरी फिजन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स डिवाइड होना, टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होती है वो स्प्लिट, ब्रेक होकर दो नई ऑर्गेनिज्म बनाती, जो उनके डॉटर कहते हैं, जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले तो अमीबा होता है। अमीबा हम वैसे तो और भी एग्जाम्पल है, बट जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अमीबा का है। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है बायोनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसमें उसकी बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब कैसे होती है हम देखते हैं। व्हेन द अमीबा सेल हैज रीच इट्स मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, जैसे अमीबा होती है वो उसकी मैक्सिमम साइज की ग्रोथ पर पहुंच जाती है, तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट न्यूक्लियस जो होता है, जो बड़ा न्यूक्लियस होता है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जिसमें आफ्टर दैट, फिर इसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें फिर अमीबा का आपके उसके बाजू में वो डिवाइड होता है। तो इसमें दोनों के पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होता है, दोनों में आपका न्यूक्लियस बन जाता है। तो इससे जो एक पेरेंट्स अमीबा थी, वो दो स्मॉलर अमीबा, मतलब आपकी डॉटर अमीबा में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यही प्रोसेस, अब वो डॉटर हो गई, तब वो भी एक टाइम बाद अपना जो एक मैक्सिमम ग्रोथ लेने के बाद, फिर वैसे वो उसमें भी फिजन हो जाएगा। और यही ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। और ये प्रोसेस आपकी पैरामीशियम में भी होती है और भी अलग चीज़ों में होती है। सो गाइस, अब हम आते हैं मल्टीपल फिजन पर। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जहाँ पे जो पेरेंट सेल रहती है, जो मल्टीपल मतलब बहुत ज़्यादा, एक दो से ज़्यादा, तो मल्टीपल में दो से ज़्यादा का जब डिवाइड होगी आपकी पेरेंट सेल, तो उसमें बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ये भी आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही होगा। इसमें जो होता है, इसमें होता है प्लाज्मोडियम में होता है ये। तो हम जैसे देखें इसमें होता किस तरीके से, वही सिंपल सी चीज़ है।
जैसे न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके, जैसे आप सेल देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल है और एक प्रोटेक्टिव वॉल है। प्रोटेक्टिव वॉल जो होती है जिसको हम कास्ट कहते हैं, तो इसमें जो न्यूक्लियस ऑफ सेल जो स्प्लिट होते हैं सेवरल टाइम में, जैसे जैसे स्प्लिट होते हैं लिटिल बिट साइक्लोप्लाज्म में ये कलेक्ट होती है, इनकी जो डॉटर होती हैं वो धीरे धीरे कलेक्ट होती हैं और इसके बाद वो हो सकता है 100 में 1000 में और बल्कि और मिलियंस भी सेल इसमें क्या हो सकती हैं वो मैं उसमें डिवाइड हो जाते हैं। इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। या आपका प्लास्मोडियम में होता है, जैसे मलेरियम प्लेसिटम बोलते हैं, जैसे मलेरिया डिसीज बनती है ना, जी हाँ वही वही मलेरिया वाली डिसीज के लिए, तो इसमें उसमें प्रोड्यूस होता है और मल्टीपल फिजन इसमें होता है। तो अब हम आते हैं सेकेंड पर, सेकेंड है बडिंग। बडिंग भी आप एक असेक्सुअल मेथड है और बहुत फेमस मेथड है। इसका जो अब इसका जो मेन नाम क्या है, बर्ड से बना है। किससे बना ये बर्ड, वर्ड क्या होता है ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसमें मेन मेन काम बर्ड का ही होता है। जैसे आप कभी भी कोई पेड़ कट करते हैं, कुछ भी इसमें डाली तोड़ते हैं, उसमें आपको बर्ड टाइप का होता है ना, बस वही मेन चीज़ होती है जहाँ पर हम उसको बडिंग के थ्रू करते हैं। जिसमें हम इसका जो मेनली एग्जाम्पल है वो आपका है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है इसके इसका बडिंग का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कैसे क्या होता है हम देखते हैं। हाइड्रा आपका एक सिंपल मल्टी सेल्यूलर एनिमल होता है। हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन एंड ऑफ इट्स सेल। दिस बर्ड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय द डेवलपिंग द माउथ एंड टेंचल। मीन्स ये हो जाएगा कि सिंपल सी बात यह है कि जैसे पेड़ जो आपका होता है उसमें पहले छोटा सा बर्ड निकलेगा और फिर धीरे धीरे जो बर्ड होगा उसका वो क्या बन जाएगा, वो अपना एक खुद एक छोटा सा हाइड्रा बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को हम बडिंग। तो हाइड्रा इज नॉट ए सिंगल सेल, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाइड्रा सिंगल सेल नहीं होता है। अब आगे हम आएंगे स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इज असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट्स प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्सेस। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट वर्स्ट देन द स्पोर्स स्प्रेड इन टू एयर। वैन दीज एयर बॉर्न स्पोर लैंड ऑन फूड और सोइल अंडर द फेवरेबल कंडीशन द जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द न्यू प्लांट्स। होता है क्या कि जैसे इसमें क्या होता है कि आपका जो पेड़ होता है उसमें स्पोर्सेज आप समझते ही होंगे, हंड्रेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिपोर्सेज यूनिट बनाते हैं, जैसे हवा के थ्रू उड़ जाती हैं और उड़ने के बाद क्या हो जाता है वो आपका मिट्टी में जाकर चली जाती है और मिट्टी में जाने के बाद से क्या हो जाता है वो आपका बस वो आपको जैसे वहाँ से ग्रोथ करने लगता है। तो इसमें हम जैसे इसका जो मोस्ट ऑफ दी ये होता है, मोस्ट ऑफ दी जो फंगाई आपकी होती हैं, जैसे आपका जो रिजोम्पस जो होता है उसमें आपके जनरली ये प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है वो टाइनी टाइनी स्पोर्सेज होते हैं, टाइनी स्पोर्सेज बस वो जो न्यू जैसे वो बहुत सारे न्यू फंगस प्लांट बना लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंटू टू और मोर पीसेज ऑन द मेच्योरिंग ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोथ ऑफ फ्रॉम अ कम्प्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। मीन सिंपल सी बात क्या है कि इसमें जो आपका छोटे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में क्या होते हैं ब्रेक होते जाते हैं और इससे वो नए ऑर्गेनिज्म को नेचुरली तरीके से वो क्या करते हैं, वो जैसे ही मेच्योर हो जाते हैं तो वो वहाँ से वो आपके फॉर्म हो जाते हैं। ये आपका फ्रेगमेंटेशन एक एन एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन है। तो द रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड कैन ऑकर इन सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म लाइक सी एनोमेनियस कैन रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जो आपका सी एनोमेनियस होता है इसके थ्रू आप इसमें बहुत सारे वो ये प्लांट्स में भी हो सकता है और आपके एनिमल्स में भी हो सकता है मे बी। तो आप सोच रहे होंगे कि जो फिजन है और फ्रेगमेंटेशन है दोनों का मतलब तो एक ही है, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं वो ब्रेक ही हो रहा है ना, ऑर्गेनिज्म ब्रेक ही हो रहे हैं। तो बट इसमें डिफरेंस ही मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज दैट इन फिजन अ यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप टू फॉर्म टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म, वेर इन द फ्रेगमेंटेशन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप फॉर्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रही बात। जो फिजन होता है वो आपका यूनि सेलुलर में होता है और जो आपका फ्रेगमेंटेशन होता है वो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑप्टेन फॉर्म दी बाय पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म।
जैसे क्या होता है कि इसमें जो आपका जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, इसमें आप या तो उसकी रूट हो आपके पास, या आपके पास इसका स्टेम हो, या आप उसकी लीव हो, तो आप उसके थ्रू उसको विदाउट एनी हेल्प ऑफ रिप्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे सिंपल मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जांपल जो होते हैं, एग्जांपल जैसे रोज़ गुलाब का जो फूल होता है आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप गुलाब के फूल का जो एक आप उसकी जो टहनी होती है इसकी जो स्टेम, उसको आप कट कर लेते हैं और उसमें थोड़ा बड आना चाहिए, लेकिन तो बड आ जाता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, तो वो नया पेड़ बन जाता है। ऐसा आपने कई जगह देखा होगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल है द ग्रीन ग्रास जो होती है, आपकी हरी घास जो होती है वो क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक मसाफ मैदान है उसमें क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है तो वो ग्रीन पूरा वो उसमें ग्रोथ हो जाती है उसकी। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें जो ग्रीन ग्रास थी उसमें पहले से ही सब कुछ ओल्ड स्टेम तो थी थी, उसके बाद जैसे ही उसमें बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ग्रोथ कर जाती हैं और वो रिप्रोड्यूस कर देती हैं वेजिटेबल को, मतलब अपने जो ग्रीन ग्रास को। तो इस तरह से आपके जो प्लांट्स क्या हो जाते हैं उसमें रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपका जो प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो आपका फिनिश हो गया। बट यहाँ पे एक बहुत आईएमपी टॉपिक है, एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था गुलाब के फूल का, वही उसी चीज में द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट्स बाय मैन मेड मेथड इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब कि ये है कि एक प्लांट्स के थ्रू आप 100 तरह के प्लांट्स बना सकते हो, इसको मैन मेड तरीके से इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। तो आपके यहाँ पे तीन कॉमन मेथड होती हैं, एक होता है कटिंग, एक लेयरिंग होती है और एक ग्राफ्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं कटिंग में। कटिंग क्या होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड द कटिंग। समझ ही रहे होंगे आप, जैसे मान लीजिए कि शार्प नाइफ से आप किसी पेड़ को कट कर देते हैं और कट करने के बाद उसमें क्या हो जाता है, आपने एक पेड़ को उसकी टहनी को कट कर लिया, ऐसे करके बहुत सारी टहनी को कट 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 करते जाएंगे तो वो नए 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 पेड़ बना सकते। जैसे कि रोज़ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, रोज़ भी आपका एग्जाम्पल, शुगर केन है, बनाना है, कैक्टस है, ये सब आपके कटिंग के थ्रू आप इनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे बनाना और शुगर केन जो होता है वो गन्ने का गन्ना होता है, गन्ने को क्या करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में कट कर दिया जाता है, उसको कट करने के बाद उसमें जो बर्ड होता है वो जरूर आना चाहिए, तो बस बर्ड को फिर आप लगा देते हो तो उससे नया गन्ना बन जाता है, एक गन्ने से आप 10 गन्ने उगा सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है जरा आपको इसको समझना पड़ेगा। इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स इज पुल टू वार्ड ऑफ द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ कवर्ड विथ मॉस्ट सोल, लीविंग अप द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज अबाउट द ग्राउंड आफ्टर द सम टाइम द न्यू रूट्स डेवलप। क्या होता है कि जैसे ही आप क्या करेंगे उसमें जो उसका जो ब्रांचेस रहेंगे उसको जैसे आप लगा देंगे, जैसे मैंने आपको वही बात बोली थी, रोज़ वगैरह की बात बोली थी, वही चीज़ है यहाँ पे। जिसमें आप चमेली का एग्जांपल ले सकते हैं, चमेली में क्या होता है कि जैसे आप उसको चमेली को आप लगाएंगे जमीन में उसकी टहनी को, तो उसमें रूट्स आने लग जाएंगे, रूट आने की वजह से आपका काम हो जाएगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि भैया आपने अभी वो इसमें कटिंग और ग्राफ्टिंग और लेयरिंग में क्या फ़र्क है। देखिए कटिंग मीन्स कटिंग कर कर, कटिंग समझते हैं, पेड़ की कटिंग कर देते हैं अपन, कटिंग कर करके करना उसको, जैसे पेड़ एक कट किया, एक पेड़ है उसको कट कर दिया तो उसकी जो स्टेम बची उस स्टेम में फिर से नया पेड़ बन जाता है। और लेयरिंग में क्या हो जाएगा कि आपने जो रूट को कट किया, मतलब जो आपने पेड़ को कट किया उसको कट करने के बाद आपने लगा दिया तो नया उसमें नई रूट्स निकल आती हैं, तो इसको हम लेयरिंग बोलेंगे। अब आता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग मेथड क्या होती है समझिएगा, ग्राफ्टिंग मेथड इज अ मेथड इन विच द कट स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, वन विथ रूट्स अदर विदाउट रूट। मतलब दो प्लांट है, एक को आपने रूट के हिसाब से कट कर लिया, एक को विदाउट रूट कर लिया, और दोनों को आपस में आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ऐसे ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा, ज्वाइन, अब जैसे मान लो सपोज करो कि मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे मान लो कोई पेड़ है, एक कोई भी पेड़ है, किसी की भी चीज़ का पेड़ मान लीजिए, उसके रूट लगी वकादे सब है, और एक आपने दूसरा पेड़ कर लिए कि तना ले लिया, स्टेम ले लिया, और उसको आपने उसमें ऐसे दोनों को मिला दिया, लगा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, वो ब्रांच वो पलक जाएगा, मतलब वो आपका ग्रोथ कर जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा होता है क्या, जिसमें आप इसको कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हैं। जैसे अगर वो आपका जो ओरिजिनल प्लांट होता है उसमें किस तरीके कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, द कट स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग रूट्स वो पहले से ही फिक्स्ड इन सोल, मतलब वो आपका पहले से ही सोल में कौन सी फिक्स्ड होना चाहिए, और द कट स्टेम टू अनदर प्लांट वो विदाउट रूट हो आपका होना चाहिए, लेकिन ऐसा पार्ट होना चाहिए कि जिसमें आपके लीव्स वगैरह हों जो डेवलप हो सके।
तो इसमें आप दोनों प्लांट्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड तरीके से आपका जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन फिनिश हो गया। अब एक नया एक बहुत आईएमपी टॉपिक है, टिश्यू कल्चर। जी आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, टिश्यू कल्चर का, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यूज, मतलब जो प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उनसे नए जो लैब में, मतलब इसको कह सकते हैं प्लांट जो टिश्यू कल्चर है वो आपका लैब में होता है। कहाँ होता है आपका? लैब में। तो द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट टिश्यूज रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट इन द सूटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। मतलब उनको एक मीडियम प्रोवाइड करा दिया जाता है, उनको एक ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं जिससे कि वो वहाँ पर ग्रोथ कर सके। तो अब ये होता कैसे, इसको टिश्यू कल्चर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू प्लांट्स, हम इसको समझते हैं अलग अलग स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट्स, मतलब जहाँ से जो प्लांट की जो ग्रोइंग होती है, ग्रोथ होती है, वहाँ से वो स्टिप से वहाँ से कुछ स्मॉल चीज़ उठा लेते हैं जिसको हम जेली टाइप में होता है वो। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपका हमने जो जेली इसको हमने लम्ब्स को जिसको उठाया हम उसको कैकस बोलते हैं। तो जो कैकस को हमने लिया वो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको अनोदर जेली में, ताकि वो प्लांट्स के सूटेबल हारमोन, मतलब वो सूटेबल हो सके प्लांट्स के हारमोन्स के जैसा। तो इसके बाद जो कैकस होता है उसमें रूट्स डेवलप होती हैं। क्या डेवलप होती हैं? रूट्स डेवलप होती हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, उसको सूटेबल सेपरेट रख दिया जाता है टाइनी प्लांट्स में। द प्लांट इज दस द प्रोड्यूस ट्रांसप्लांट द पॉट्स ऑफ सोइल देर आर कैन ग्रो द फॉर्म नेचुरली। तो एक पॉट होता है वहाँ पर, जैसे आपको वहाँ पर सोइल वगैरह रख दी जाती है और इससे उसमें वो प्रॉपरली तरीके से क्या कर सकता है, वहाँ पर ग्रोथ कर सकता है। इसको ही हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, टिश्यू कल्चर इज़ वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस इन फ्यू वीक्स। मतलब इसमें यह कि बहुत फास्ट रैपिड प्रोसेस होती है, इसमें हम एक हफ्ते में ही, कुछ हफ्तों में, एक हफ्ते नहीं करना, वैसे कुछ हफ्तों में बहुत सारे हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिसीज फ्री। और जितने भी हम टिश्यूज कल्चर, जिसमें जैसे क्या होता है कि जो नए प्लांट्स होते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू बनते हैं, वो सब डिसीज फ्री होते हैं। और इसमें ये होता है कि टिश्यूज कल्चर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, इनमें आपका वेदर का या किसी सीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता। और इसके लिए कोई ज़्यादा, और सबसे जो मेन पॉइंट है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की नीड नहीं होती है, इस पर मात्र आपको बहुत कम स्पेस में ये बहुत ज़्यादा प्लांट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो टोटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है, ये अब बाकी का जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसमें लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आप ये वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं इससे अच्छे भी वीडियो लेकर आऊँगा और बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आऊँगा, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, सोशल हो। तो अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा, टेस्ट सीरीज से लेकर एवरीथिंग। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।